हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रभाव। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ लेटर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, जिनमें आपको 60 प्लस टॉपिक्स मिल जाते हैं, और कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख पाओगे अगर आप अपने टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हो। ठीक है, इनमें आपको जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं और जितने आपके ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो सभी इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, ऐसे और लेटर सिंगल बुक में ही आपको मिल जाएंगे, और एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहां से जाके भी इनको बाय कर सकते हो, लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक आपको मिल जाएंगी। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम। तो कैसे इसको शुरुआत करनी है, इस टॉपिक को लिखना कैसे है, ये आप देख लो। ठीक है, कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस है जो मानव और अन्य स्तनधारियों के श्वसन पथ को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कोरोना वायरस का एक प्रकार का वायरस है, और ये किससे रिलेटेड है, स्पेशली श्वसन संबंधी इसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, श्वसन पथ को प्रभावित करता है ये स्तनधारियों और मानव में। राइट, ये सामान्य सर्दी, निमोनिया और अन्य श्वसन लक्षणों से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके जो लक्षण होते हैं वो नॉर्मल कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जो सर्दी होती है, निमोनिया है, और जो अन्य श्वसन संबंधी लक्षण है उससे जुड़े होंगे। राइट, कोरोना वायरस दुनिया भर में बीमारी बन गया है और दुनिया के सभी देश इसका सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि कोरोना वायरस जो है अभी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी या फिर एक महामारी के रूप में सामने आ चुका है, और अभी जो है दुनिया के सभी देश, चाहे कोई भी देश हो दुनिया का, सभी इसका सामना कर रहे हैं। राइट, तो सभी इसको बेसिकली फेस कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू देते हुए लिख सकते हो। राइट, इसके बाद मूव करते हैं, जिसके कारण दुनिया की आबादी अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर है। ठीक है, यानी कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के अधिकांश लोग जो हैं वो अपने घरों में रहने को ही मजबूर हैं, अपने घरों में ही रह रहे हैं। ठीक है, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देश में 53% तक व्यापार प्रभावित हुए हैं। अभी देखो, यहाँ पर आप बता सकते हो कि कोरोना वायरस के कारण जो है देश में अराउंड 53% जो व्यवसाय हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो प्रभावित हो चुके हैं, वो और काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि जो बिजनेसेस हैं और जो व्यवसाय हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इसके रहते, और काफ़ी सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है सभी लोगों को। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जो है घरों में रहने को मजबूर हैं, घरों में कैद होकर रह चुके हैं। राइट, इसके बाद फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में, और इसमें आप इससे रिलेटेड फैक्ट्स दोगे। कोरोना वायरस एक का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान में पड़ा। ठीक है, यानी चीन में, बेसिकली चीन के वुहान में सबसे पहले जो है कोरोना वायरस को देखा गया, सबसे पहले जो है इसकी पुष्टि वुहान में ही हुई। राइट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इसको रोकने के उपायों के बारे में देशों को सलाह देने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों, सरकारों और अन्य स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी काफ़ी रोल है यहाँ पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है वो भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और सभी देशों को सलाह देने के लिए WHO अपनी गाइडलाइंस निकालता रहता है। सभी जो वैश्विक विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी राय ली जा रही है। सरकार और अन्य जो स्वास्थ्य संगठन हैं उन सभी के साथ मिलकर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन काम कर रहा है, और टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है सभी के लिए। राइट, तो यहाँ पर आप WHO का भी रोल बता सकते हो कि WHO इसके रिगार्डिंग क्या कर रहा है। राइट, व्यापार के मामले में चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। अब आप यहाँ पर चीन के बारे में कुछ फैक्ट्स दे सकते हो कि अगर यहाँ पर हम लोग जैसे कि बात करें, चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है,
सबसे बड़ा निर्यातक देश है और सबसे बड़ा आयातक देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। ठीक है, चीन विश्व का कुल निर्यात का 13% और आयात का 11% हिस्सेदार है। यानी विश्व का जो कुल निर्यात होता है उसका 13% केवल और केवल चीन से ही होता है, और आयात की अगर बात करें तो 11% केवल चीन से होता है। राइट, तो यहाँ से ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, ओवरऑल जो निर्यात और आयात का परसेंटेज है इसको आप ध्यान रखना है, 13 और 11% है, इसको आप ध्यान रखोगे। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आगे मूव करते हैं। इसका असर भारतीय उद्योग पर पड़ेगा, ठीक है, भारतीय उद्योग पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि चाइना की वजह से अदर जो कंट्रीज हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। राइट, भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक आयात चीन से करीब 45% है। अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि अगर कुल आयात की बात करें तो चीन से करीब 45% भारत का कुल आयात है। राइट, दुनिया भर में देश से खरीदी जाने वाली लगभग 1/3 मशीनरी चीन से आती है। अब आप मशीनरी की अगर बात करोगे तो मशीनरी की करीब 1/3 मशीनरी चाइना से आती है, यानी 33% के आसपास जो कुल मशीनरी है पूरे वर्ल्ड में, जो बेसिकली भारत खरीदता है, तो वो चाइना से ही आती है। और लगभग 90% मोबाइल फ़ोन चीन से आते हैं। ठीक है, 90% जो मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं हमारे कंट्री में वो भी चीन से ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इस तरह से चीन के बारे में बता सकते हो, उसके इससे रिलेटेड फैक्ट्स दे सकते हो। राइट, इसके बाद इसलिए हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के मौजूदा प्रकोप के कारण चीन पर आयात निर्भरता का भारतीय उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, यानी अधिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीन है, चीन से काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है इंडिया की, इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें जो है चीन से मंगा रहा है, तो उस केस में जो कोरोना वायरस है उसका प्रभाव चीन के साथ साथ अदर कंट्रीज़ पे ही पड़ेगा, भारत पे भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आयात निर्भरता हमारी चीन से है और आयात पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। राइट, देश भर में बहुत बड़ी संख्या में किसानों को भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, किसान जो देश के किसान हैं उनको भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है कोरोना वायरस की वजह से, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स सामने आती जा रही हैं। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पर ओवरऑल इम्पैक्ट बता सकते हो कि हमारी इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फार्मर्स पर, किसानों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट, उसके बाद आप अदर बिजनेसेस के बारे में यहाँ पर बता सकते हो, जैसे कि होटल और एयरलाइंस जैसे विभिन्न व्यवसाय अपने कर्मचारियों का वेतन काट रहे हैं। ठीक है, जो कर्मचारी हैं होटल्स के और एयरलाइंस के, उनकी सैलरीज कट हो रही है, वे अपने कर्मचारियों का वेतन कट कर रहे हैं और छटनी भी कर रहे हैं। ठीक है, और उनको निकाला भी जा रहा है काम से। भारत में काम करने वाली प्रमुख कंपनियों ने अस्थायी रूप से काम को निलंबित कर दिया है। ठीक है, जो प्रमुख रूप से कंपनियां जो काम कर रही भारत में, वो सभी अस्थायी रूप से काम को उन्होंने बंद किया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे GDP पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी इकॉनमी पर। राइट, विश्व बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने 2021 के लिए भारत की वृद्धि को कम कर दिया है, वृद्धि दर को कम किया है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो विश्व बैंक और अदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने 2021 के लिए जो भारत की वृद्धि दर को मापा है वो कम आका है। ठीक है, उसको कम माना गया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के लिए GDP विकास दर का आकलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.9% बताया है। राइट, विश्व बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जो है वृद्धि दर को कम आका है, और IMF ने यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.9% बताया है GDP दर को। ठीक है, जो कि G20 देशों में सबसे अधिक है। राइट, G20 नेशंस में सबसे ज़्यादा है, इस चीज़ को भी आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप इस तरह से लिखोगे इस टॉपिक को, और जितना भी यहाँ पर फैक्ट्स दिया हुआ है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.9% बताया G20 देशों में GDP विकास दर, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इनको आप जरूर हाईलाइट कर लेना। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ।
राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की PDF भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग GK GS करा रहे हैं। GK GS आपकी क्लास होती है जिसमें MCQ के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। GK GS के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।